ऑस्ट्रेलिया की 5 यूनिवर्सिटियों ने भारतीय बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया। कौन है ये 5 यूनिवर्सिटियां? क्यों इनके द्वारा बच्चों को मना कर दिया गया? समझिए थोड़ा सा, ये कारोबार है, ये कारोबार है ऑस्ट्रेलियन सरकार का, वहां की यूनिवर्सिटियों का, हमारा। और जो स्टूडेंट बाहर जाता है वो भी अपने रोजगार के लिए जाता है, वो भी कुछ सीखने के लिए जाता है, वो एक ग्राहक है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का। जब एक स्टूडेंट भारत से ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहां जाके देखता है कि मुझे यहाँ पे $50,000 फीस देनी है एक साल में, और वहां का लोकल नागरिक उसी पढ़ाई का 12,000 14,000 दे रहा है, और हमारे बच्चों को 4 गुना ज्यादा फीस देनी पड़ती है, तो उस एवज में बच्चा वहां जाके पढ़ाई छोड़ देता है। बच्चे पढ़ाई छोड़ के डिप्लोमा में दाखिला ले लेते हैं, क्योंकि डिप्लोमा की फीस आधे से भी कम होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो उसकी फीस $12,000 14,000 एक साल की होती है। यदि आप डिग्री करते हैं तो डिग्री की फीस $40,000 से $50,000 होती है। देखिए, हर कोई समझदार है, यदि आप कोई बाजार से चीज खरीद के लाते हो और आपको पता चलता है कि आप ठगे गए हो, तो आप वो वस्तु वापस कर देते हो, और जहां से आपको सस्ती चीज मिलती है आप वहां से लेते हो। क्यों जाते हैं लोग विदेश में पढ़ने के लिए? हमारे बच्चे आज पूरी दुनिया में पढ़ने जाते हैं। भारत से लोग बाहर जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। और ये यूनिवर्सिटियां चाहती हैं कि सिर्फ इनको $50,000 50,000 हर साल हमारे बच्चे फीस देते रहे। अभी 5 यूनिवर्सिटियों ने मना करा है क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हुई है, इनको $50,000 देने वाला ग्राहक नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि हमारे बच्चे समझदार हैं। अब कुछ समझदार हैं, जो फीस आपको $12,000 14,000 में डिप्लोमा डिग्री मिलती है, आप उसी पढ़ाई की $50,000 फीस क्यों देंगे? समझदार बनना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 200 के करीब और भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, 150 के करीब ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें आप बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर सकते हो। उनके द्वारा बंद नहीं किया गया, वो उनकी फीस कम है। वहां पर पहले भी बच्चे पढ़ने जाते थे, आज भी जाते हैं, कल भी जाते रहेंगे। मैं मानता हूं आजकल रिफ्यूजल आ रहा है, रिफ्यूजल ज्यादातर उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का आ रहा है जहां पे फेक डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। यदि आपकी भी पढ़ाई में ज्यादा गैप नहीं है और आपके माँ बाप के पास खुद के पैसे हैं शो करने के लिए, तो हम आपका दाखिला सिडनी में कराएंगे। 15 दिन के अंदर आपकी जीटी क्लियर होगी, और आज भी 15-20 दिन के अंदर वीजा मिल रहा है। हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है, हम एक काम करते हैं, आज 15 साल हो चुके हैं। आपकी भी समस्या है, नंबर कम है, आइल्स में बैठ नहीं आ रहे, आपकी जीटी रिजेक्ट कर दी गई किसी यूनिवर्सिटी द्वारा, हमारे साथ कॉल करिए, हमें चंडीगढ़ आके मिलिए, आपको ऑस्ट्रेलिया भेजने का सपना हम साकार करेंगे। अपनी समस्या बताइए हमें, इस गैप के दौरान आपने क्या किया, आपके नंबर कम हैं, इसकी क्या वजह है, आपके आइल्स में बैंड क्यों नहीं आ रहे, आपके माता पिता के पास पुराने फंड क्यों नहीं है शो करने के लिए। ये सारी चीजें एक जीटी का पार्ट होती है। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक यूनिवर्सिटी का वीजा रिफ्यूज नहीं हो रहा आज। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पे आज भी 15 15 20 20 दिन में वीजा मिल रहा है। हमारा काम आपको वीजा दिलाना है। कोई भी ऑस्ट्रेलिया के वीजा संबंधी आपको परेशानी लग रही है, आपको जीटी क्लियर नहीं हो रही, ऑफर नहीं मिल रही, डर लग रहा है, हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर को आप कॉल करके हमें चंडीगढ़ आके मिलिए, आपको ऑस्ट्रेलिया भेजने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।